ये पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ वन एंड टाइड टू द टॉप ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो है, सो देयर इज अ स्मूथ स्फीयर और इसके ऊपर यहां पे एक चेन है। सो अ चेन ऑफ लेंथ एल, इसका जो लेंथ है चेन का, इधर से इधर तक लेंथ एल, और इसका पूरा जो मास है वो एम है। सो चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास एम लाइज ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। इसका जो रेडियस है दिस इज कैपिटल आर। हेलो, यस, so yeah, so m lies on the surface of a smooth sphere of radius r with one end, to is sphere ka radius capital r hai, with one end tied to the top of the sphere, to yahan pe top pe ek end tie kiya hua hai. Find the gravitational potential energy of the chain with reference level at the center of the sphere, to ye hamara reference level। ठीक है, तो हाइट वगैरह यहीं से मेजर करेंगे, तो इस चेन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो चेन का अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मान लो थीटा एंगल पे एक डी थीटा विड्थ का, तो ये हो गया डी थीटा, तो थीटा एंगल पे डी थीटा विड्थ का एक पतला सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे। अब ये जो एलिमेंट है, ठीक है, सो लेट्स से ये डार्क कर दिया हमने, तो ये जो एलिमेंट है डी थीटा जो सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, स्मॉल एलिमेंट डी, ये जो है इसका इसका पहले हम लोग मास निकाल लेते हैं। तो पहले ये जो ये रेडियस आर है, तो ये जो लेंथ होगा ये dl, सो dl इज इक्वल टू इसका लेंथ जो dl है, दिस इज इक्वल टू r d थीटा। ठीक है, रेडियस इनटू द एंगल, स्मॉल एंगल d थीटा को रेडियस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग को ये स्मॉल लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क dl निकल जाएगा, सो विच इज r d थीटा। सो इस स्मॉल पोर्शन का मास अगर डीएम लेते हैं, सो डीएम इज इक्वल टू टोटल मास एम, मास पर यूनिट लेंथ निकाल के इसको डीएल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो डीएम इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इनटू डीएल, मतलब आर डी थीटा हो गया। ठीक है, सो एम बाय एल इनटू आर डी थीटा हमारा डीएम का वैल्यू हो गया। नाउ जो पोटेंशियल एनर्जी है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल मास डीएम, इसको हम लोग डीयू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये इसका हाइट यहां से अगर कंसिडर करना है, ये वाला हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो डी यू इज इक्वल टू जो इसका मास है डीएम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, हाइट आर कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है?
mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो m यहाँ पे dm है, g और h कितना है r cos थीटा के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो स्मॉल जो ये पोटेंशियल एनर्जी du है, dm को हम लोग लिख लेंगे m by l into r d theta into g into r cos theta. So this is equal to, अब क्या करेंगे, ये जो mg r square divided by, so mg r square divided by l into cos theta d theta. अब ये du था, हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट जो करेंगे, ये तो जीरो से लेके कैपिटल यू हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखो ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, टोटल थीटा जो होगा, जो एल इज इक्वल टू, बेसिकली टोटल लेंथ एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा डैश, ठीक है। सो थीटा डैश जो फाइनल थीटा है, मैक्सिमम जो हम निकाल गए, दिस इज एल बाय आर, ठीक। सो ये जो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से लेके एल बाय आर तक वेरी करेगा। ये समझ में आया? थीटा यहाँ पे जीरो से लेके मैक्सिमम यहां तक आएगा, जो लेंथ ऑफ ये है, लेंथ ऑफ चेन है एल, दैट इंटू आर, एल इंटू आर विल गिव यू दिस टोटल थीटा, जो मैक्सिमम यहां से यहां तक है, ठीक है। सो थीटा जो, वो थीटा डैश से हम लिख रहे हैं, तो थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके एल बाय आर तक। ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? यस सर। सो अब ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर बाय एल, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये साइन थीटा हो गया इंटीग्रेशन, और जीरो से लेके एल बाय आर तक वैल्यू डाल, तो इससे हमारा आ जाएगा यू इज इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर बाय एल साइन ऑफ एल बाय आर, माइनस साइन जीरो, साइन जीरो तो जीरो होता है, तो साइन ऑफ एल बाय आर होगा ये फर्स्ट। ये टोटल पोटेंशियल जो ए पार्ट का ये आंसर होगा तुम्हारा। क्लियर बच्चों? अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, सपोज द चेन इज रिलीज एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर। सो चेन को हमने रिलीज कर दिया और ये स्फीयर से नीचे जाने लगा, सो लेट से यहां पहुंच गया, ठीक है। चेन को हमने रिलीज किया और ये यहां पहुंच गया। सो सपोज द चेन इज रिलीज एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट हैज स्लिड थ्रू एन एंगल थीटा। कितने से चला गया, थीटा एंगल से स्लाइड कर गया, ठीक है। तो ये वाला जो एज होगा, ये वाला जो एज है दूसरा एंड जो इसका, वो कितने एंगल पे होगा, ये पूरा एंगल अगर हम लोग करेंगे तो ये तो हमें पता ही है कि ये जो एंगल होता है इधर से इधर, ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू एल बाय आर। तो थीटा से लेके ये कहां तक चला गया, थीटा प्लस एल बाय आर तक चला गया। इसको हम लोग जब यूज करेंगे तब आगे इसमें यूज होएगा। सो अब वैल्यूज इसका देखो, कह रहा है बी पार्ट में, सपोज द चेन इज रिलीज एंड स्लाइड्स डाउन द स्फीयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीज इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी जो गेन हुआ है
अगर हम लोग इसको दिस इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा है जब यहां पे रखा हो तो ये हम लोग ऑलरेडी निकाल रहे हैं एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल साइन ऑफ एल बाय आर. ठीक है, ये इनिशियल हो गया. माइनस फाइनल करेंगे तो फाइनल के लिए ये जो हम लोग ये निकाल रहे हैं एम जी आर स्क्वायर बाय एल माइनस एम जी आर स्क्वायर बाय एल और इसको जो इंटीग्रेट करेंगे यहां पे तो हम लोगों ने क्या किया था जीरो से एल बाय आर तक. अब एंगल कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे थीटा से थीटा प्लस एल बाय आर तक. सो थीटा से थीटा प्लस एल बाय आर तक कर लिया हमने और कॉस थीटा डी थीटा. अब वैल्यूज पुट कर लेंगे. सो दिस इज एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल. ठीक है, साइन एल बाय आर माइनस कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन भी साइन थीटा हो गया और माइनस ऑफ साइन थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो प्लस ऑफ. सो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया. ए पार्ट और बी पार्ट हो गए. सी पार्ट के लिए यहां पे कर रहा हूं. सो ये जो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिखा है ये काइनेटिक एनर्जी है फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डीवी बाई डीटी बोल रहे हैं ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन. जिस समय स्लाइड करना शुरू करता है उस समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करना है. काइनेटिक एनर्जी ये जो हाफ एम वी स्क्वायर है सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेट कर दो. सो दिस विल बी एम जी आर स्क्वायर बाय एल सो एम जी आर स्क्वायर बाय एल इंटू साइन एल बाय आर प्लस साइन थीटा साइन थीटा प्लस एल बाय आर. ये जो हमारा वैल्यू है आप दोनों तरफ क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग आप एम और एम कैंसिल कर दो दोनों. सो टू को इधर ले जाओ. अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी टू आर स्क्वायर जी अपॉन एल साइन ऑफ एल बाय आर प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस. अब इसको हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स. दोनों तरफ अगर अगर टाइम के रिस्पेक्ट में कर दें तो वी स्क्वायर है इसको हम लोग टू वी डीवी बाई डीटी कर सकते हैं
2v dv upon dt is equal to gr 2g r square upon l साइन एल बाय आर को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर इंटू डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, अब ये जो वी है, ठीक है, वी डी वी बाई डी टी, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर हम लोग लिख सकते हैं, और ओमेगा क्या हो गया, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक तो ये टू टू कैंसिल हो गया, वी को ओमेगा आर, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी इंटू आर डीवी अबर बाय डीटी। ठीक है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, और ओमेगा को डी थीटा बाय डीटी लिख रहे हैं, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, और v इज इक्वल टू ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाय डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू आर कर दिया, तो डी थीटा बाय डीटी इंटू आर, और डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन एल, और यहां पे कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस एल बाय आर डी थीटा बाय डी टी। अब देखो डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, और यहाँ डी थीटा बाय डी टी कैंसिल हो गया, एक आर यहाँ पे और एक आर यहाँ पे, ऐसे कैंसिल हो गया, तो अब जो हमारा जो वैल्यू आया, कहाँ लिखूं, जगह ही नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं सॉरी। सो हमें डीवी बाय डी टी निकालना था, सो डीवी बाय डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे g इंटू आर बाय एल, सो डीवी बाय डी टी इज जी आर बाय एल, और है cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस एल बाय आर, cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस एल बाय, क्लियर है बच्चों? यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। अब तुमको एक और चीज इसमें बस करना है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइंड द टेंजेंट व्हेन द चेन स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, तो चेन स्टार्ट से स्लाइड कर रहा, तो थीटा के जगह यहाँ क्या लेंगे, जीरो डिग्री लेंगे, तो जीरो डिग्री ले लोगे तो यही जो इक्वेशन है, मैं बस ब्रैकेट वाला चीज अंदर नीचे लिख दे रहा हूँ, इसको लिख लेना, कॉस जीरो डिग्री वन हो जाता है माइनस, और ये वन माइनस कॉस ऑफ थीटा की जगह जीरो हो गया, तो वन माइनस कॉस ऑफ एल बाय आर, क्लियर है? सो जी आर बाय एल इंटू वन माइनस कॉस ऑफ एल बाय आर हो जाएगा आंसर डीवी बाय डी। सर ये पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है इसमें थीटा प्लस एल बाय आर क्यों लिया सर लिमिट? ये यहाँ वाला जो कर रहे हो? नहीं सर, नीचे यहाँ पे, यहाँ पे ना, ये क्योंकि ये फर्दर थीटा एंगल स्लाइड कर चुका है ना बेटा, पहले ये इस वाले जो केस में हम कर रहे थे, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे खत्म हो रहा था ये चेन, अब ये चेन स्लाइड करना शुरू हो गया है, स्लाइड करके ये यहां पहुंच गया, थीटा एंगल पे पहुंच गया, तो
ये जो लेंथ है ये तो एल ही रहेगा, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा एल लेंथ का ये चेन, वो दैट विल बी एल बाय आर ओनली। तो थीटा से लेके तुम जब इंटीग्रेट कर रहे होगे, अब इसके लिए फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा होगा, ये जो मास इसका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा से थीटा प्लस एल बाय आर। पहले जीरो से थीटा तक था, जीरो से एल बाय आर तक था, अब थीटा से थीटा प्लस एल बाय आर तक हो गया क्योंकि वो फर्दर स्लाइड कर गया है नीचे। आया समझ में? यस सर। लिख लो, जल्दी लिख लिया? नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। सो अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेड टू ट्रांसलेट इन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो हमारे पास एक स्फीयर है एक्सेलरेशन से इधर जा, ठीक है। सो अ स्मूथ स्फीयर मान लो ये सेंटर हो गया। सो स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, इज मेड टू ट्रांसलेट इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। अ पार्टिकल केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्फीयर इज रिलीज्ड फ्रॉम वेयर एट जीरो From there at zero velocity with respect to the sphere. Find the speed of the particle with respect to the sphere as a function of the angle theta. It slides. तो मान लो ये स्लाइड करके पार्टिकल आ गया यहाँ, कितना एंगल ये कवर किया, थीटा, ठीक। इस पार्टिकल का मास मान लो स्मॉल m है, राइट, ये यहाँ स्लाइड करके आया, तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं इस समय, तो अगर हम देखें, सो बेसिकली जो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा n, इस पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है इधर, राइट, एक, सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। उसके अलावा एक इसका वेट लग रहा होगा नीचे एम जी, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, और उसके अलावा इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ विच इज इक्वल टू एन। तो ये जो फोर्स है, दिस फोर्स, दिस फोर्स एफ इज इक्वल टू नेट फोर्स जो है, दिस इज इक्वल टू एम डीवी अपॉन डीटी। तो अब इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो ये नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है, अब ये देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर हम देखेंगे तो दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग अगर जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करें तो mg sin थीटा m dv by dt जो इधर है, दिस इज mg sin थीटा प्लस
एम ए कॉस थीटा, भाई ये एंगल थीटा है तो इसका कॉस कंपोनेंट इधर आएगा एम ए कॉस थीटा, और एम जी इधर है ये 90 माइनस थीटा है तो एम जी साइन थीटा, ये दोनों मिला के ये नेट फोर्स के बराबर होगा एफ विच इज एम डी वी बाई डी, ठीक है ना। अब ये एम जी साइन थीटा, अब तुम क्या करो सब में एम को कैंसिल कर। हेलो एक मिनट बच्चों, एक मिनट मुझे समझ। तो ये हम लोग कर रहे थे, अब इसमें क्या है कि वी हैव गॉट दिस एम डी वी बाई डी टी इज एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, सो एम कैंसिल कर लिया तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। नाउ व्हाट यू डू, पूरे तरफ वी से आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वी, so this will become v dv by dt is equal to gv sin theta, so vg sin theta plus v into a cos theta. Now again what we'll do is v ko hum log yahan pe jaise pichle question mein kiya tha, v is equal to omega r hota hai, so v is equal to d theta by dt into r, इससे रिप्लेस कर देंगे। सो हमारा जो इक्वेशन होगा v dv by dt, so v dv by dt is equal to vg sin theta, so v को हम लोग d theta by dt into r करेंगे, so d theta by dt into r g sin theta plus v a cos theta, so this is v को फिर से हम लोग d theta by dt, so ये d theta है, ठीक है, d theta by dt into r into a cos theta। अब देखो by dt 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 cancel हो गया, हमारे पास equation हो गया v dv is equal to d थीटा इंटू आर, तो ये हमारे पास आर जी साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस आर ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये वी डी वी जो है तो बेसिकली हम लोग को स्पीड का विथ रेस्पेक्ट टू, मान लो जब थीटा एंगल बना रहा था इस समय स्पीड इसका वी है, तो अगर इस समय स्पीड v है तो ये जीरो से v तक इंटीग्रेट करेंगे, और थीटा को कहां से कहां तक करेंगे,
थीटा जीरो से लेके ये जो थीटा तक वैल्यू है, सो जीरो से लेके थीटा एंगल तक हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो अब इसको इंटीग्रेट किया तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आर जी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, और जीरो से लेके थीटा वैल्यू डालेंगे, प्लस आर ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा, और इसमें वैल्यू जीरो से लेके थीटा तक डालेंगे। सो दिस इज वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू जी आर माइनस ऑफ कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस जीरो, सो माइनस साइन को बाहर कर लो या तो, सो कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो, ठीक है, प्लस ऑफ आर ए साइन थीटा माइनस साइन जीरो। सो दिस इज वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस जी आर कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो, कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस आर ए साइन थीटा हो जाएगा। सो इससे आ जाएगा वी स्क्वायर का वैल्यू, इसको अंदर लेके चले जाते हैं, सो वील गेट यहां प्लस साइन था, वील गेट जी आर 2 टाइम्स, ये 2 इधर लेके चले गए, 2 टाइम्स जी आर 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स ए आर साइन थीटा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर, वी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 आर, और अंदर हमारे पास जी माइनस जी कॉस थीटा, सो जी माइनस जी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा। सो जी माइनस जी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा, क्लियर है बच्चों? यस सर। क्लियर है बच्चों? लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने पहले आप अटेम्प्ट करो इसको।
Now, as shown in the figure, A and B have equal masses m. इन दोनों का equal mass small m है, right? And C has a mass capital M. Block A is given a brutal speed v, ठीक है? तो इसको हम लोगों ने एक v speed दिया, right? ये जाके towards B, due to which it collides with B perfectly inelastically. मतलब perfect inelastic collision में क्या होता है? दोनों मास चिपक जाते हैं बाद में. द कंबाइंड मास कोलाइड्स विद सी ऑल्सो परफेक्टली इनइलास्टिकली 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द होल प्रोसेस. पूरे प्रोसेस में अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ है? 5/6. बचा कितना? 1/6 उसके पास बचा. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 1/6 काइनेटिक एनर्जी उसके पास फाइनली बचा है. अब इसका मास है ना एम है और वी है. तुम पहले इन दोनों का देखो एक साथ भी कर सकते हैं बट एक साथ में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे. तो मैं पहले इन दोनों का इन इलास्टिक कोलिजन करूं. सो स्मॉल m इंटू v है ना. तो पहले हम लोग कर रहे हैं इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन a एंड कैपिटल b. सो m इंटू v इज इक्वल टू m प्लस m इंटू कुछ वी भी कर लेते हैं, ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा? एम इंटू स्मॉल वी इज इक्वल टू 2m इंटू वी बी. एम एम कट जाएगा तो वी बी इज इक्वल टू वी बाय 2 हो गया फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद अब हम लोग चलते हैं ये टकरा के ये दोनों दोनों अब साथ में जा रहे हैं, राइट. ये दोनों साथ में अब हो गए और ये दोनों अब VB स्पीड से मूव कर रहे हैं और जाके VC से टकरा रहे हैं. तो वो होगा इन इलास्टिक कोलिजन विथ C. इन इलास्टिक कोलिजन अब C के साथ जब होगा तो दो 2m मास मूव कर रहा था VB स्पीड से इज इक्वल टू देख रहे हो 2m इंटू VB करोगे तो ऐसे भी कट जाएगा. मतलब v by 2 करोगे तो m into v ही रहेगा. तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो कि पहला वाला इससे जाके कर रहे. खैर जो भी है 2m into vb is equal to 2m plus m. अब ये तीनों मास साथ में मूव कर रहा है क्योंकि ये कोलिजन भी परफेक्टली इनइलास्टिक है. सो दिस इंटू वी सी. तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ c होगा तो इसको हम लोग पहले तो रिप्लेस कर लेते हैं. 2m into vb है हमारा v by 2 is equal to 2m plus capital M into VC. ये cancel हो गया. So इससे हमारा आ गया VC is equal to four है क्या इसका आंसर? क्या है? सर four है क्या? नहीं बेटा four मतलब option one या ये वाला? First option correct. ठीक है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर. m बाय 2m प्लस कैपिटल m. स्पीड बढ़ाओ थोड़ा सा लेकिन तुम सोचते बहुत ज्यादा हो है ना. तुरंत लेके लिखना शुरू करो समय इतना नहीं मिलेगा तुमको करने के लिए.
सो एम बाय टू एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी हो गया, ये हमारा हो गया स्पीड सी का कोलिजन के बाद। अब देखो कह रहा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 5/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द होल प्रोसेस। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, बाकी दोनों तो रेस्ट पे था, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2m+M इंटू vc², राइट, ये हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और 5/6 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो 1/6 रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब इनिशियल बाय फाइनल अगर करेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सो सॉरी सेकंड है और ये थर्ड है। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 1/2 mv² डिवाइडेड बाय 2m+M इंटू ये 1/2 × 2m+M इंटू vc², vc के जगह इसको पुट कर लेते हैं, m बाय 2m+M होल स्क्वायर इंटू v², क्लियर है बच्चों। अब ये 1/2 कैंसिल कर दो, v² और v² कैंसिल कर दो, ये किसके बराबर आएगा, 6/1 के बराबर, क्योंकि इनिशियल वाला 6 टाइम्स होगा फाइनल के, तभी तो 5/6 जब ये लॉस हुआ है, जो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो 5/6 आए, आ रहा समझ में। भाई पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी के ही था, 5/6 लूज हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ही बाय 6 होगा, 5/6 लूज होके, 1 - 5/6 1/6 होता है ना, तो इनिशियल बाय फाइनल करोगे तो 6 टाइम्स आएगा, ये रेशियो क्लियर है सभी को। यस सर। अब इसको लिखोगे 6 = m/2m+M इंटू m² बाय 2m+M का होल स्क्वायर, इसको और इसको कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो, तो 6 × m इज इक्वल टू 2m+M, 4 × m इज इक्वल टू M, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इज इक्वल टू 4, तो ये ऑप्शन। क्लियर है बच्चों। क्लियर है सभी को। यस। लिख लिया आप लोगों ने। सर हमको के ई इनिशियल और के ई फाइनल का रेशियो निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? और कैसे निकालोगे? रेशियो निकालना नहीं है, तुम कैसे भी कर सकते हो, ऐसे माइनस करके भी कर सकते हो, 5/6 ऑफ द इनिशियल
तो इसका 5/6 टाइम्स लूज हो गया है। वैसे करके भी कर सकते हो कि भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 5/6 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, लिखो और इससे भी कर लो। इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1-5/6 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय 6 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 6। फाइनली तो यही आएगा। हाँ सर, समझ गया। लिख लिया? यस सर। Piece of wood of mass 0.03 kg is dropped from the top of a 100 meter high building. At the same time, a bullet of mass 0.02 kg is fired vertically upward with a velocity of 100 meter per second from the ground. ये हमारा building है। यहाँ पर से हमने एक piece of wood को गिराया, ठीक है, और उसी इंस्टेंट पे हम लोग ने एक बुलेट को फायर किया। सो पीस ऑफ मास, इसका मास m1 इज इक्वल टू 0.03 केजी हो गया, इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई बिल्डिंग। सो ये जो हाइट है, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। At the same time, a bullet of mass 0.02 kg, iska mass m2 is equal to 0.02 kg, is fired vertically upward with a velocity of 100 meter per second. U rakh lete from the ground. The bullet gets embedded in the wood. तो यहां पे आके मान लो कहीं पे आके इससे टकराया ये, ठीक है, ये इसके अंदर एम्बेड हो जाता है और उसके बाद पूरा जो सिस्टम है ये ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा, राइट। आपको ये निकालना है कि देन द मैक्सिमम हाइट टू विच द कंबाइंड सिस्टम रीचेस above the top of the building before falling below, तो हमें ये height निकालना है। ठीक है, ये वाला height निकालना। Clear है बच्चों? Clear है आपको question? Yes sir। और करके बताओ। टाइम देख के सॉल्व करो। चार मिनट दिए। नहीं सर, पहले तो टाइम निकालो कि कितने टाइम में ये आके बुलेट इसको हिट करता है। तो उसको निकालने के लिए देखो, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, राइट। मान लो टी टाइम के बाद हिट करता है, तो इस समय जो वुड का जो वेलोसिटी रहा होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वुड डाउनवर्ड इज इक्वल टू वी वन, मान लो, मान लेते हैं यू प्लस जी टी, एंड velocity of bullet upward v2 मान लेते हैं, है ना, इसको u dash minus gt मानते हैं, ठीक है, क्योंकि acceleration due to gravity ये ऊपर जा रहा है तो इसपे नीचे की तरफ लगेगा, acceleration due to gravity जो नीचे आ रहा था उसपे नीचे की तरफ तो plus है,
एक्सेलरेट कर रहा है, बुलेट क्या हो रहा है, डिसेलरेट कर रहा है. अब बेसिकली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज एडिशन ऑफ बोथ वी वन प्लस वी टू, तो ये क्या हो गया यू प्लस जी टी प्लस यू डैश माइनस जी टी, प्लस जी टी माइनस जी टी कट गया तो मतलब ये क्या हो गया यू प्लस यू डैश. तो हर मोमेंट पे रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के सम के बराबर ही होगा दोनों के बीच. एक एक्सेलरेट कर रहा है तो दूसरा डिसेलरेट कर रहा है, तो दोनों का इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया जीरो प्लस हंड्रेड, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड. रिलेटिव वेलोसिटी जब पता चल गया, दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस जो है राइट, सो रिलेटिव डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 100 मीटर, तो टाइम टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी. डिस्टेंस है 100 मीटर, रिलेटिव वेलोसिटी है 100, तो ये कितना हो गया 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड के बाद टकरा रहा है, 1 सेकेंड के बाद ये कितना डिस्टेंस मूव कर गया होगा नीचे, ये मूव कर गया होगा h1 इज इक्वल टू ut ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ठीक है, सो ut इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, तो यहां पे हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो, टाइम 1 × 1 मतलब 5 मीटर नीचे आ गया है, और टोटल 100 मीटर था, तो ये कितना मीटर मूव कर गया 95 मीटर मूव कर गया. ठीक है, ऊपर. अब कह रहा है आपको ये दोनों टकराया राइट, सो अभी वेलोसिटी ऑफ बुलेट जस्ट बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जस्ट बिफोर कोलिजन वी डैश इज इक्वल टू यू डैश माइनस जी टी 100 − 10 × 1, so this is 90 meter per second. Velocity of wood just before collision, wood rest से ऊपर गिर रहा है, तो v is equal to u plus gt, u zero था, 0 + 10 × 1, 10 meter per second. अब ये दोनों collide किया है ना, और साथ में ऊपर जा रहा है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा इनिशियल मोमेंटम जो है दिस इज एम वन वी प्लस एम टू वी डैश, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है. आफ्टर कोलिजन हम लोग निकालेंगे तो ये एम वन प्लस एम टू दोनों साथ में, मान लो वी वेलोसिटी से, ठीक है, इसको कुछ और मान लो वी फाइनल, मान लो वी फाइनल माइनस नहीं करेंगे, क्या चीज को माइनस करेंगे सर? सर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, तो माइनस नहीं करेंगे. हाँ, ये जो एम टू माइनस एम वन वी माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, हाँ ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं राइट, सो इसको पॉजिटिव रखेंगे और इसको नेगेटिव रखेंगे. ठीक, तो ये हो गया माइनस ऑफ 0.03 × 10 हो गया है, v का जो वैल्यू है ये 10 है राइट, इंटू 10
प्लस एम टू है हमारा 0.02 इंटू 90 इज इक्वल टू 0.03 प्लस 0.02 इंटू फाइनल वेलोसिटी भी, तो ये हो जाएगा 0.3 और दिस इज 18 0.2 इंटू 9 इज 1.8 और माइनस 1.5, सो 1.5 इज इक्वल टू 0.05 इंटू फाइनल, सो वी फाइनल इज इक्वल टू 150/5 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड पता चल गया। अब ये जो है फाइनल स्पीड से ये दोनों कितने हाइट तक जाएंगे, तो h इज इक्वल टू सॉरी कैपिटल स्मॉल h इज इक्वल टू हमें पता है v स्क्वायर बाय 2g होता है फॉर्मूला, 30 × 30 / 2 × 10 सो ये हो जाएगा 45 मीटर। 45 मीटर इसके ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो हाइट है ना दिस इज इक्वल टू 45 मीटर, जहां टकराया उसके बाद 45 मीटर गया, तो यहां से ये डिस्टेंस 5 मीटर था, ये 5 मीटर था, तो इस टॉप से कितना ऊपर गया 40 मीटर हाई गया। हम लोगों को निकालना है टॉप ऑफ द बिल्डिंग से कितना गया, सो टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 45 - 5 is equal to 40 meter above the top of building. Above the top height is 45 - 5, 40 meter. Option 3. Clear, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो इसको।